अरे कि ओश कहा ये जो आ रहा है शुक्र है जी ने गाल नहीं टोके दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा बस एक तेरे सिवा। मैं इंडियन वर्जन सुने हैं। बच्चे लगते थे और बुढ़ापे में भी बच्चे। अब मैं ये सोचने पर मजबूर बंडी एक जीप काली होवे नहीं स्पीड 40 बीट इंटेंस वाली फिर गम सटिया। Hey guys, welcome back to our channel, जिधर हम पंजाब रियल टीवी एक्स्ट्रा ते मैं हूं तुम्हारा दोस्त सनमीत सिंह। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि बॉलीवुड ने फिर केड़े छापे लाए हैं, मतलब इन्होंने छापिया तो सारी दुनिया इन्नी एक तंग हो चुकी है ना कि बस रहे रब का ना। तो इतने गल कर रहे हैं कल बॉलीवुड की ना कि किसी होर स्टेट प्रोविंस के किसी रीजनल सिनेमास की। इंडिया के बहुत रीजनल सिनेमास है जो बहुत वधिया काम कर रहे बॉलीवुड तो बहुत चंगा, मतलब ए दर्जे का काम कर रहे, लेकिन गल सिर्फ होंगी है कल्ले बॉलीवुड के, ठीक है, जिन्होंने साडा शर्म के नाल सानू मतलब नक् डबोता साडा, ठीक है, तो गल करांगे उहदी। लेकिन उस तो पहला तुहानू दस देना चाहुंदा कि एक जिहड़ा एनीमल का जिहड़ा सोंग सीगा जमाल कुद्दू वह आप वीडियो बनाई सी ना, तो उहदी भी गलबात इहदे विच करांगे। सभी सुमेर यूट्यूब चैनल तो सुमेर भाई आपां नू डिटेल विच दसणगे सारा कुछ बिना किसे तो, देखदे आ आ जाओ। अब कहने को तो मैं भी ये पाकिस्तान तो इन्होंने क्लिप दिखाई है, लेकिन मेरे ख्याल है ये उस तो भी पुराना है, ठीक है, ईरानियन सॉन्ग गा सकता था और झूठ बोल सकता था और आप लोगों को कह सकता था कि 2004 में पहली बार सिकंदर सनम ने ये गाया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि मैं आपको हमेशा सच और हकीकत बताता हूँ। ये गाना पहली बार कुछ ऐसे गानों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिनको वो अपना समझते हैं, लेकिन दरहकीकत वो अपने नहीं, बस सपने हैं उनके, क्योंकि वो गाने पाकिस्तान से उन्होंने चोरी किए हैं, किसी को पता ही नहीं चला लेकिन मुझे पता चल गया। इतनी आती रहती है भाई, अगर मैं बनाता रहूं ना तो डेली की एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन नहीं नहीं यार, पड़ोसियों के भी कोई हकूक होते हैं यार, पड़ोसियों को नाराज तो नहीं करना ना, इतना एक्सपोज नहीं करना। लेकिन रिएक्शन वाले तमाम दोस्तों से ये गुजारिश है कि यार मेरी वीडियो पर जब आप रिएक्शन करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरी किसी भी वीडियो पर आप 10 दिन के बाद बेशक रिएक्शन करें, जो मर्जी करें, कोई एतराज कोई नाराज, लेकिन 10 दिन मेरे चैनल पर वीडियो चलने दे उसके बाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम उस सिंगर की बात करेंगे जिसे इंडिया वाले खुद भी बहुत ज्यादा चाहते हैं, उसका नाम है अली जफर। अली जफर ने 2011 में एक गाना गाया था दिल झूम झूम, और अली जफर ने यह भी कहा था कि ये गाना मैंने सिर्फ अल्लाह की बड़ाई बयान करने के लिए गाया, अल्लाह की याद में गाया और अल्लाह को ही ज़हन में रख के गाया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी चंद दिन कबल इंडिया वालों ने इसी का एक रोमांटिक वर्जन बना के दुनिया के सामने पेश किया, और उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि नूरे फातह को नीम बरना हालत में इसमें अदाएं दिखाने के लिए मॉडल के तौर पर डाल दिया गया, और इस गाने को कॉपी किया श्रिया घोषाल और विशाल मिश्रा ने। और आगे चलकर मैं आपको एक ऐसे कलाम के बारे में भी बताऊंगा जिसको इंडिया वालों ने जब कॉपी किया और उसका वीडियो बनाया तो उस वीडियो में उन्होंने बहुत ही नंगे लिबास वाली और गंदी किस्म की लड़कियां डाली जिससे देखकर पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगा था। लेकिन उससे पहले मैं बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म एनिमल के उस गाने के बारे में बात करूंगा जो आजकल बहुत ही वायरल जा रहा है, जमाल गोडू। यार क्या नाम है, ये वो गाना है जिसमें बॉलीवुड की इस मशहूर फिल्म एनिमल के विलन की एंट्री होती है, यानी कि बॉबी देओल की। लेकिन कहा ये जा रहा है कि ओश कहा ये जा रहा है कि 2004 में पाकिस्तानी कॉमेडियन सिकंदर सनम, जिन्होंने तेरे नाम पार्ट टू बनाया था, बहुत ही मजेदार मूवी बनाई थी और उन्होंने साथ साथ इंडिया में बहुत सारे कॉमेडी शोज भी जीते थे, उन्होंने ये गाना 2004 में पहली बार गाया था
जरा सुनिए, लेकिन हकीकत में आपको इसके बाद बताता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको हमेशा सच और हकीकत बताता हूँ। ये गाना पहली बार 1978 में ईरानी सिंगर जिया अबादे ने गाया था। अब कहने को तो मैं भी ये बता सकता था और झूठ बोल सकता था। और अच्छा, एदी जे डेफिनेशन एदी देखी ना, वो है भी कितना सोना, लंबा, लज्जा, गबरू जवान है। ओदी हाइट दी तारीफ कीती जा रही है, जमल कोदू, कद्दू दा अपन जिवें कद कहंदे ना, शायद कोदू दा मतलब हाइट हुंदा है। मे भी लोगों को कह सकता था कि 2004 में पहली बार सिकंदर सनम ने ये गाया था, तो भाई मैं सबूतों के साथ हर चीज पेश करता हूँ। इसलिए चाहे वो पाकिस्तान ने कॉपी किया हो या फिर बॉलीवुड ने, भाई हमसे बच कोई नहीं सकता। दोस्तों 1984 में पाकिस्तानी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दूरियां, जिसके मरकजी किरदार फैसल रहमान और शबनम ने अदा किए थे। इस फिल्म का एक गाना था, दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं मेरा, बस एक तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा। और फिर इसी गाने को 1990 की फिल्म आंधिया में पेश किया गया। जरा देख लीजिए आप। दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं है मेरा, बस एक तेरे सिवा। मैं इंडियन वर्जन सुनिया है। यहाँ पर मैं फैसल रहमान के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि वो जवानी में भी बच्चे लगते थे और बुढ़ापे में भी बच्चे। अब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि वो बचपन में कैसे लगते होंगे। भाई साहब 1983 में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने गाना गाया था कि इश्क में हम तुम्हें क्या। सानू लगता सीगा कि जोबन नुटियाली सब तो वड्डा छापा किंग है, लेकिन ए तां बादशाह निकले सोनू निगम भाजी। हालांकि मैं इन्हां दे गाने छुट हुंदे तो सुनदा आ रहा, लेकिन जो मैं वड्डा हो गया उदो मैनूं पता लगा कि he's a बादशाह। बताएं सोनू निगम जी, आज मैं तुहानूं दसांगा। अब ये जानकर हैरान हो जाएंगे, पाकिस्तानी सिंगर अताउल्लाह खान ईसा खेलवी ने ये गाना 1992 में गाया था, जिसे चुपके से सोनू निगम साहब ने चोरी करके मजे से गाकर बॉलीवुड वालों को कहा ये मेरा गाना है, ये तुहाडा गाना नहीं है। जज साहब, अब तो आपके सामने मैंने सबूत भी पेश कर दिए, अब फैसला आपने करना है कि आखिर ये जमीन किसकी है, मेरा मतलब है ये गाना किसका है। दोस्तों 1985 में पाकिस्तानी मशहूर सिंगर इकबाल बानो ने फैज अहमद फैज की शायरी में जान डाली और नगमा पढ़ा हम देखेंगे। ये नगमा मुहिबे वतनी का जोश हर शख्स में पैदा करता है, लेकिन इस नगमे को भी बॉलीवुड वालों ने नहीं बख्शा। और फिर 2022 की भारतीय फिल्म कश्मीर फाइल्स में इस गाने को कॉपी करके पेश किया गया। ऐसे बुजुर्गों के साथ उनको बहुत दुख होता है। 1969 में पाकिस्तानी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दिला दिसो दे। इस फिल्म के लिए मैडम नूर जहां ने कलाम पढ़ा था, हो लाल मेरी पत। इस कलाम को बाबा बुल्ले शाह की शायरी से लिया गया और पिछले 60-70 सालों में पाकिस्तानी और इंडियन बहुत सारे सिंगर्स ने गाया और बहुत सारी वीडियोस भी बनी। लेकिन अभी कुछ साल पहले इंडिया के मशहूर सिंगर मीका सिंह और योजो हनी सिंह ने इसका नया वर्जन बनाया, जो कि सबसे ज्यादा मशहूर हुआ और सबसे ज्यादा देखा और सुना गया। ये 2013 में रिलीज किया गया। इसको इंडिया की फिल्म डी डे में भी लिया गया, लेकिन यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि गाने की वीडियो में और फिल्म की वीडियो में बहुत सारी ऐसी लड़कियों को लिया गया और ऐसे लिबास पहनाए गए जो कि नीम भरना हालत में थी और अजीबोगरीब किस्म की, गंदी किस्म की जो है ना वो वीडियो थी। और मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि शायद आपको इसके कलाम के बारे में नहीं पता हो, तो मैं आपको बताता चलूँ। मुसलमानों में भी बहुत सारे फिरके हैं, वहाबी हैं, सुन्नी हैं, शिया हैं, बरेलवी हैं, बेइंतहा लोग हैं। जो वलियों और बुजुर्गों के बारे में जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि शहबाज़
कलंदर कौन है और वो वलियों में क्या मकाम हासिल रखते हैं और किस तरह से यहाँ पर लोग उनसे अकीदत रखते हैं। ये कलाम उनके हवाले से पढ़ा गया था और बहुत सारे गानों की वीडियोस भी शहबाज कलंदर के दरबार पर जाकर शूट की गई हैं, लेकिन यहाँ पर मीका सिंह और योयो हनी सिंह को शायद इनका अंदाजा नहीं था या फिर वो जानना ही नहीं चाहते थे कि बेसिकली ये कलाम किन के बारे में है और वो क्या मकाम रखते हैं, वो किस तरह के वली थे, किस तरह के कलंदर थे। और वली और अजकल लोगों का ही हाल है कि गाने के लिरिक्स की होंगे, उन्होंने मतलब की होंगे, वो किसी को पता नहीं होंगे। मैं गल करता हूँ कि जिहड़ियां कुड़ियां रीलां बनाउंदियां उन्होंने मतलब पता नहीं होंगे गाने का की निकल रहा, लेकिन वो मतलब वो तो ठुमके लगा के गाने गाउंदियां होंदियां, वीडियो अपलोड कर रही होंदियां। तो ये तो सिंगर का इन्ना माड़ा हाल होया पिया, मतलब उन्होंने नहीं पता कि ये चीज़ क्यों बनाई गई है, किस संदर्भ च है, किनू डेडिकेटेड है, वो ते मतलब कुछ और ही होण डिया। किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हो लेकिन अल्लाह ने अगर उनको इज्जत दी हुई है, अल्लाह ने उनको एक मकाम दिया हुआ है, तो हम उनके खिलाफ कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते। और यहाँ पर उन लोगों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो हमारे कलाम या फिर किसी ऐसे बुजुर्ग पर कोई वीडियो बनाते हैं, तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि ये जो वली हैं इनके ऊपर जब आप कोई कलाम पढ़ते हैं या फिर कोई ऐसी चीज दिखाते हैं, तो कम से कम अपनी वीडियो में गंदे लिबास वाली और कोई ऐसी लड़की ना डाला करें जिन्हें देखने के बाद, या जो लोग अकीदा रखते हैं उनको कलाम की समझ ना आए बल्कि वो लड़कियों की तरफ मुतवज्जे हो जाएं या फिर उस म्यूजिक और धमाल की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, तो फिर आपका कोई मकसद तो रहा नहीं, लेकिन आपको शोहरत मिल जाएगी। नहीं भाई जी, मकसद क्यों नहीं है, मकसद तो ना है गए व्यूज लेने थे, पैसा कमाना, इन इस गुनाह में आप शामिल जरूर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी। क्या बात है, सही है बाजी, सो ऐसी आईडिया की वीडियो, होप सो तुसी एंजॉय कीती है। मैं तो बहुत एंजॉय कीती है, मैं जो चापा फैक्ट्री वाले वीडियोस नु बहुत ज्यादा ए दिलों एंजॉय करदा, क्योंकि मैनू आप मजा आंदा इन्हां दी पोल खोलण दे। हालांकि मैं खुद हिंदुस्तानी है, मैं इंडियन है, पर जिथे जिहड़ी चीज गलत आ वह गलत है यार, ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड वाले साढ़े पंजाबी इंडस्ट्री तो भी बहुत कुछ चकते हैं, क्रैडिट नहीं देंगे। ये तो हाल फिर पाकिस्तान की गल हो रही है, तो ऐलकी पाकिस्तान तो नहीं, ऐतक इन्होंने कोई ईरानियन सिंगर चक्या 1978 जो गाना आया सी जमाल कोतू, है ना, तो वह चक्या। सो यार इंटरनेशनल लैवल से भी कोई कानून होना चाहिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के, जो कोई कॉपी कर देना जो तो फुल क्रैडिट दे, कॉपीराइट्स खरीदे, ठीक है, तो जो भी है मतलब एक सिस्टम होना चाहिए यार। अक्सर क्योंकि एक बंदे की मेहनत होंगी है, वह सोचता है पहला, फिर लिखता है, फिर वो जो लिखता है उन्हें गाया जाता है, कंपोजिशन तैयार की जाती है, फिर रिकॉर्ड होंगे, फिर वीडियो बनती है, फिर लोगों सामने आती है, कि कुछ होंगे वो, तो पर जो कोई कॉपी करता वो मिनट मारता कॉपी कर लगे तो विदाउट एनी क्रैडिट वो खुद एडे नोट छापता किसी होर की क्रिएशन तो, ठीक है। सो वो चीज़ा नहीं होनी चाहिए। सो गल इतने मैं सारे बॉलीवुड की भी नहीं कर रहा, कई बॉलीवुड के बहुत सारे इदा के भी मेकरस है जोड़े बहुत ओरिजिनल जोड़े म्यूजिक है उन्होंने प्रोड्यूस करते हैं, तो वह भी बहुत वायरल होंगे, ठीक है, लेकिन अजक चीज़ उ वायरल ज़्यादा हो रही है जी ऑलरेडी कॉपीड होंगी है जिदे रीमेक बनते हैं। बॉलीवुड कोई भी फिल्म आए वो एक ना एक रीमेक तो देखने पक्का मिलेगा, एंड होगा भी पंजाबी गाना, ठीक है, क्योंकि पंजाब की जी बहुत वीडी एक अर्निंग है ना, वो मतलब जो एक प्रोडक्शन है जो जी डी पी का हिस्सा कह सकते हैं वो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री तो जाता है, ठीक है, तो बहुत सारिया इस डूगिया गल् होंगे, तो बाकी की कह सकते हैं भाई, हूँ इतने कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ आप वीडियोज़ बना सकते हैं। बाकी हाँ दसते जरूर रहेंगे कि कौन कितने गलत है तो कौन कितने सही है। बाकी ये गल नहीं है कि पाकिस्तान ने भी कदे कॉपी नहीं किए, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जो मेकरस है वह भी गाने कॉपी करते हैं, वह भी इंडियन गाने कॉपी करते हैं एंड अपने फिल्मों में लैके आते, कई स्टोरियां भी कॉपीड हुई हैं, वो भी तुहाडे नाल वीडियोज़ आउंदियां, बस उन्होंने फिर रिव्यूज़ घट आते होंगे, क्योंकि जेडे तुसी पाकिस्तान के लोग हो तुसी दूजे इधर लिया देखना ज़्यादा पसंद करते हो अपने नहीं। सो एक फैक्ट है मे भी, लेकिन साढ़े इधर इंडियन जो कोई रोस्ट करता ना, जिवें ट्रिगर्ड इंसान हो गया, कैरी मिनाटी हो गया, उन्होंने भी बॉलीवुड में रोस्ट किया होया, तो वो तो लोग वेखते भी है, उन्होंने इंजॉय भी करते हैं कि हाँ यार ये बिल्कुल गल सही है, कि जिथे गल सही है उत्थे सही है, जिथे गलत है उत्थे गलत है। होप सो तुसी मेरा पॉइंट समझ गए। सो सारिया वीडियोज़ देखा करो, इंजॉय करो, तो बाकी मिलते हैं तुहानू किसी होर वीडियो तक मैनू दिओ इजाजत, सत श्री अकाल।